सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। आज इकोनॉमिक्स के चक्कर में ना कुछ काम नहीं हुए मेरे। लंच स्कीप, ब्रेकफास्ट स्कीप, नहाना स्कीप, हर चीज स्कीप हो गई। सो अभी मैं नहाता हूँ, फटाक से फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में फिर लंच तो शायद मेस में नहीं मिलेगा, सो कुछ रूम पे ही बनाना पड़ेगा। एंड कल मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 का एग्जाम है और मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए थे क्योंकि मैं लखनऊ गया था, उसके बाद केरला गया था। एकेडमी सीसी का काम वो मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है। और हमारे सांगनीरिया जी है, अथर सर, गुरुजी, जो मैं आज पढ़ाएंगे, मैं मिलवाता हूँ। सो गाइस, ये हमारे गुरुजी है जो हमें कॉन्स्टी पढ़ाएंगे, अथर और सांगनीरिया जी। जैसे ही अभी 4 बज रहे, 7-8 होंगे, डिनर होगा, उसके बाद हमारे कक्षा चलेगी और ये पढ़ाएंगे। सो गाइस, चेंजिंग प्लान्स, नींद नहीं आ रही थी तो हम लोग आ गए बैडमिंटन खेलने। मेरे साथ में अभिमन्यु है। पढ़ने तो 10 से पहले नहीं बैठ रहे, मतलब वो हमारा स्केड्यूल बन चुका है कि अभी 10 के बाद ही पढ़ने बैठेंगे सुबह तक। सो ये है अभय भैया, आपका पेपर कौन सा है कल? हम जैसे हॉस्टल से निकले, एवरीवन वाज लाइक एस्टोनिश्ड, कल पेपर है इनका और ये बैडमिंटन कैसे खेल रहे। हाय सर। हाँ सर। सो अभी बैडमिंटन खेल लिया है, अब तो थोड़ा थक भी गया हूँ, कैंटीन जाके कुछ खा लूंगा। अंकित भैया, एक मेरे को दो कोकोनट वाटर आप। सो भी मैं तो फ्रेश हो गया हूँ, बट आज मैंने मतलब डिनर नहीं किया, डिनर स्किप कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं बनाता। सो मैंने जोमेटो से पराठे ऑर्डर कर दिए थे। हाँ भैया, यूके नाम से पार्सल होगा। सो मेरे डिलीवरी वाले भैया आ गए, मैं पेमेंट होगी ना। चलो थैंक यू भैया। ये जोमेटो के भी कुछ अलग से लफड़े है। डे टाइम में वो हॉस्टल तक ला के देता है, बट अभी रात के 10 या 10:30 बज रहे तो पीछे वाले गेट पे जाके लेना होता है। तो अभी रात के 11 बज रहे और 12 बजे इनका बर्थडे है, तो दो दो स्वेटर तो अभी से पहन ली। मेरे को ना केसेस की लिस्ट चाहिए। देखो मैंने कहा था ना गुरुजी के पास हर चीज है, पूरी लिस्ट बना के बैठे गुरुजी। 37 केस लॉज है, अभी बोर्ड पर लिखे थे, अभी मिटा दिए। 37 है लेकिन सारे काम के नहीं है, काम के रात को तक। So guys, if you are a CLAT aspirant and preparing for CLAT, so I have one recommendation for you. This is a book from Oswal Books and it contains the previous year questions. Actually, they are solved papers and they also contain the explanations as well. So each paper is solved. For example, this is CLAT 2023 paper. So ये solved किया हुआ है and along with that उसकी answer की with explanations भी है. So yes, if you are a CLAT aspirant, then definitely लुक फॉर इट। सो मैंने आपको बताया था कि सोम का बर्थडे है, सो अभी 12 बजने में 2 या 3 मिनट बचे, फिर एक बार बर्थडे का केक कट करके फिर से आएंगे। वैसे मैं अभी पार्लियामेंट्री प्रिपरेशंस पढ़ रहा था। सो ये केक है, अभी गिर कैसे गया, अपन करेंगे। ओके डन। बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखो गाइस, ऐसा है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, डे आफ्टर टुमारो। आज मैं जो करूंगा उसके रिपरकेशंस 2 दिन बाद मुझे भी झेलने पड़ेंगे। गणपति बाप्पा बोल या भगवान मूर्ति बोल या। लेट जल्दी, ऐसा नहीं है, ऐसे लेट। सबसे खतरनाक आदमी ये बर्थडे के दिन बहुत मारता है। अभी ब्रेन नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हैप्पी बर्थडे, तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये तीनों ऑर्गन जो बनाए गए इनको अलग अलग पावर्स दी गई। सो अभी सुबह के 5:30 बज रहे, अभी ये लोग सोने जाएंगे, मैं नहीं सोऊंगा। मैं तो अभी नोट्स है, एक बार प्रॉपर सारे रिवाइज कर लूंगा फिर से। यार मैं सोने जा रहा हूँ, सारी चीजें। देखो गाइस, ये मेरे बेड पे कब्जा किया जा रहा है। सभी सुबह के 6:30 बज रहे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है मैंने, बट अभी थोड़ा ऐसे वॉक करने का मन कर रहा तो नीचे आ गया था। मैंने बब्बू को बोला था
साथ चल ले, खा के आ जाएंगे। तो बब्बू बोला मेरे को सोना है, तो अभी बब्बू के लिए पार्सल लेता हूँ। एक्चुअली मैं पूरी रात सोया नहीं था, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं बूटी बूटी चले गया, ब्रेकफास्ट कर लिया और मतलब फ्रेंड्स के लिए भी ले ली। पार्टनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है कि अगर कोई क्षमा याचिका फाइल होती है तो वो सज़ा माफ़ कर सकते। सो अगर ये पेपर में आया कंसेप्ट तो ये लिख दूंगा, सर आर्टिकल्स लिख दूंगा रेलेवेंट जो भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, और दो तीन केसेस चिपका दूंगा। तो उसमें एक केस रुस्तम वाली है, KM नाना होती है, मतलब जिसके ऊपर रुस्तम मूवी बनी थी। एक और केस है कैर सिंह वाली। एक्चुअली जो केस है वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन से रिलेटेड है, मतलब कैर सिंह वो था जिसने इंदिरा गांधी को मारा था। सो उसकी एक केस है पार्टनिंग पावर की, बस यही तीन चार केसेस से ज्यादा नहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे भी क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ। सो उसमें क्या होता है कि आप अगर MP हो या फिर MLA हो तो आप ना पार्लियामेंट में अगर कुछ भी बोल रहे हो तो आप पे केस नहीं हो सकती है, मतलब वो एक प्रिविलेज है। मैंने अभी जितना सब कुछ पढ़ा था सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, अभी फटाक से नहाता हूँ और रेडी होके जल्दी से जल्दी एग्जाम कंप्लीट करके आना है मुझे, बस प्रेशर नहीं चाहिए। प्रिपरेशन तो हो गई है जाके, बस अभी 15-20 मिनट में एग्जाम है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने स्किप किए, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्किप कर दिया, तो अगर वो आया तो फिर मैं गया। जिस कॉन्फिडेंस से अंदर जा रहा हूँ ना, अभी पेपर तो हो गया है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, जितने टॉपिक्स पढ़ के गया था उतने टॉपिक्स आए, एंड थैंक गॉड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आया। सेपरेशन ऑफ पावर आया था बट मुझे आता भी था बट नहीं किया अटेम्प्ट। सो अभी लंच करूँगा, सो जाऊँगा, बहुत देर से सोया नहीं हूँ। सो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।